दोस्तों क्या होगा अगर गरुड़ और शेषनाग के बीच युद्ध हो जाए। हालांकि दोनों ही श्री विष्णु जी के भक्त हैं, शेषनाग शैया बन के रहते हैं तो गरुड़ उनके वाहन बन के। चलो देखते हैं इनमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। गरुड़ की शक्ति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि गरुड़ के डर से कालिया नाग जैसे विशाल नाग भी यमुना नदी में छुप कर बैठ गया था। गरुड़ पे इंद्र के वज्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार जब वासुकी और गरुड़ का युद्ध हुआ तब वासुकी की जान बचाने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा था। और बात करें शेषनाग की तो शेषनाग नागों में सर्वश्रेष्ठ नाग और विशाल भी हैं। शेषनाग को एक तरह से विश्वेश्वर विष्णु जी का अंश ही माना जाता है। माना जाता है कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के सर पे स्थिर रहती है। माना कि गरुड़ बहुत शक्तिशाली और ताकतवर हैं किंतु वो शेषनाग को नहीं हरा सकते।